बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड मामले में 18 मिनट के ऑडियो के गिरफ्तार सुमन उर्फ सुनीता ने पोलोग्राफी टेस्ट से इनकार कर दिया है। पुलिस मामले का सच जानने के लिए पोलोग्राफी टेस्ट करना चाहती थी। अनीता चौधरी के पति मनमोहन चौधरी से बातचीत में खुद सुमन ने तैयब अंसारी से खतरा जताया था। पुलिस से छूटने के बाद अनीता चौधरी की सहेली सुमन का वीडियो वायरल हुआ है। हालांकि फर्स्ट इंडिया न्यूज वायरल वीडियो की पुष्टि नहीं करता, लेकिन 18 मिनट के ऑडियो में बड़ी बड़ी बातें करने वाली सुनीता और सुमन वीडियो में पलटी हुई नजर आ रही है। सुमन ने इसमें कहा कि ना तो मैंने अंसारी का फॉर्म हाउस देखा और ना ही खुद अंसारी को देखा है। अनीता चौधरी के मुंह से ही अंसारी का नाम सुना था, मेरा कोई अंसारी साहब नाम का फ्रेंड नहीं है। अनीता जी के मुंह से ही सुना था एक बार नाम इनका, मेरा कोई फ्रेंड है अंसारी साहब नाम है उनका। ठीक है, ये है ना जो फार्म हाउस वगैरह है वो जिया जी ने खुद नहीं बोला, तो फिर मैंने कहा 100% उनके पास नहीं हो गए, बस 100% मैं फंसा। बहुचर्चित अनीता चौधरी हत्याकांड में एक नया मोड़ सामने आया, जिसके तहत सुमन और सुमिता, आपको याद होगी 18 मिनट का ऑडियो मनमोहन चौधरी के साथ में सुमन का ऑडियो था और उसने अपना पोलोग्राफी टेस्ट कराने से मना कर दिया है। कोई इंसान किसी प्रकार का टेस्ट कराने से मना तब करता है, या तो मन में पाप होता है या कुछ झूठ छुपा होता है, क्योंकि यही वह सुनीता सुमन है जिसने बार बार अंसारी का नाम लिया था। और अब जब जांच पड़ताल की बारी आई तो पुलिस का सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन पुलिस के पास एक और तरीका है, बेनाफी होती है उसके माध्यम से पता लग सकता है कि इंसान झूठ बोल रहा या सच, वो तो पुलिस एक्शन लेगी ही। लेकिन इसी बीच सुमन और सुनीता का एक वीडियो वायरल हुआ है जिसमें उसने कहा है कि मैं तो अंसारी को देखा तक नहीं है। यही वो सुमन थी जो चिल्ला चिल्ला कर कह रही थी अंसारी से जान का खतरा है, दीदी को कुछ हो जाएगा। और तो और अनीता चौधरी की जो कॉल डिटेल देखी गई है उसमें उसने साफ तौर पर अपनी बहन को कहा था कि मैं सुनीता के साथ हूं। अगर वो सुनीता के साथ थी तो फिर इस पूरे मामले को लेकर के सच बाहर क्यों नहीं आ रहा है? हर किसी की नजर पुलिस की जांच पड़ताल पर है। अब देखना ये होगा कि सुमन कब तोते की तरह रटना शुरू करती है और सच उगलती है और उसमें जो तीसरे व्यक्ति का जो नाम आ रहा है उस लड़ाकों के पीछे जाता है। राजीव गौर, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जोधपुर।